दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर एक्सपायरी सून वाला हुआ है टास्क और वहां पर दोस्तों मुस्कान एविक्ट हुई है। लेकिन दोस्तों मुस्कान के एविक्ट होने के बाद यहां पर मिली है स्पेशल पावर यहां पर, जहां पर दोनों सुई आकर के टिक गई है यहां पर चाहत और विवेन पे। आपसी सहमति वाली भी बात यहां पे वोटिंग पे आ गई और वो पावर यहां पर आ गई है चाहत और विवेन के पास। क्या कुछ हुई है पूरी कहानी बताते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो बताएं कि आपका ओपिनियन इस पे क्या है। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर यहां पर जो है बिग बॉस ने एक्सपायरी सून वाला पूरा टास्क को उसको बदल दिया, जहां पर कहीं ना कहीं पहले से ये लग रहा था कि बिग बॉस ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि सारा को एविक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा दोस्तों वो कंटेस्टेंट है जो कि कुछ ना कुछ यहां पे बिग बॉस को मटेरियल देने वाली है अपनी चीजों से, चाहे वो किसी भी टाइप की हरकतें हो, लेकिन वहां से कुछ ना कुछ तो बिग बॉस को मिलने वाला था। बट दोस्तों इसके वजह से जो है कुछ ऐसे सदस्य भी थे घर के अंदर जो कि बच जाते और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा टास्क करवाया गया सेक्रीफाइस वाला, जहां पर उसके जरिए और रैंकिंग के जरिए यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो सेट कर दिया गया कि यहां पर जो है तजिंदर और यहां पर बेसिकली दूसरा नाम मुस्कान का आना चाहिए और ये दोनों को बाहर होना चाहिए। जिसमें से दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर तजिंदर और मुस्कान के लिए ज्यादा वोट आने वाले थे और फाइनली वही हुआ दोस्तों, मुस्कान के लिए बहुत ज्यादा वोट आ गया और वो घर से बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों उसके घर से बाहर होते हैं यहां पर एक और बड़ी चीज बिग बॉस करवाते हुए नजर आया, जहां पर बिग बॉस ने बोला मैंने देख लिया है इस घर के अंदर बहुत सारे लोग डबल फेस है, बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी यहां पर एविक्शन के भी बीच में कई सारे लोग यहां पर सेफ ऑप्शन को चूज करते हुए नजर आए कि अगर वो घर के अंदर रह भी जाता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल तक उनके विचार कुछ और ही थे जब यहां पर वो पूरा सारा और आफरीन वाला मैटर हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इनके रिलेशन को क्वेश्चन किया था। बट अब यहां पर जब चूज करने वाली बारी आई तो लोग यहां पर जो है सेफ ऑप्शन को चुनते हुए नजर आए और इसके वजह से मुस्कान तो चली गई, लेकिन अब यहां पर मेरा गेम नहीं रुकेगा। अब यहां पर मैं चाहता कि जिन दो यहां पर सदस्य को मैंने जेल के अंदर डाल रखा है यानी कि अविनाश और आरफिन को, उनकी बदलने की टाइम आ चुकी है। और अब यहां पर आप लोग मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों जो अंदर हैं और जो दो सदस्य यहां पर एक्सपायरी सून वाले कैटेगरी में थे यानी कि आरफिन की वाइफ सारा और वहीं दूसरी तरफ यहां पर बग्गा, ये दोनों को क्या यहां पर जेल के अंदर होना चाहिए वो भी सारे पावर्स के साथ, या फिर दोनों जो पहले से हैं उसको ही वो चीज कंटिन्यू करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों यहां पर वोटिंग में कुछ लोग चाहते थे कि यहां पर अविनाश तो निकल जाए बट यहां पर आरफिन अंदर है क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था उसमें वो पूरा नहीं हो पाया। बट दोस्तों यहां पर पूरी की पूरी पावर आ जाती है आपको बता दूं विवियन और चाहत के पास, और दोस्तों पहली बार यहां पर आपसी सहमति इन दोनों में होते हुए भी नजर आने वाली है, जिसके वजह से दोस्तों इनको एक बड़ा पावर का यहां पर जो है कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात, अगर वो किसी को भेज रहे हैं उसके अंदर और साथ ही साथ अगर किसी को वहां से निकाल रहे हैं तो दोनों को अपना एक एक फेवर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से इन दोनों के हाथ में दो पावर कंट्रोल आ गया है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को वहां से ले सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, अपने लिए वो चीजें फ्री करने वाले हैं। ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी और यहां पर सब घर वाले भी काफी हैरान रह गए थे कैसे यहां पर विवियन और चाह दोनों ने आपसी सहमति कर करके दोस्तों दो नाम जिसको कि बाहर भेज दिया, वो दोनों नाम यहां पर बेसिकली जो पुराने वाले थे उसको बाहर बुला लिया और जो यहां पर जाने वाले थे यानी कि सारा और बग्गा को अंदर भेज दिया, जिससे दोस्तों इन लोगों के पास एक बड़ा पावर आ गया कि अब ये जेल को कंट्रोल करेंगे सारा और यहां पर बग्गा के साथ। दोस्तों आप क्या रिएक्शन इस पर क्या चाहते हैं, दोस्तों क्या इन दोनों की दोस्ती और आगे बढ़े, कमेंट करके जो बता सब्सक्राइब कर फर्दर अपडेट।